Assalamualaikum friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइन को डॉटेड या हिडन जो है वो किस तरह करते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन पकड़ता हूँ इधर से और एक लाइन लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है LTS लाइन टाइप स्केल LTS, ये देखेंगे आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ये रख देना है 2.00। तो देखेंगे लाइन जो है ये डॉटेड नहीं हुई। डॉटेड करने के लिए आपने लेयर प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे जाके आपने ऊपर में से न्यू लेयर पे जाना है और देखेंगे न्यू लेयर बनना हमारी स्टार्ट हो गया। इसको आप बैक स्पेस करें, उसके बाद इसका आप नाम रख दें, मैं इसका नाम HD रख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये जो कलर है ना कलर में आके आपने इसका कोई भी कलर, जैसे मैं ग्रीन इसका रख दिया और ओके कर दिया। उसके बाद जो है आपने कंटिन्यू में आ जाना है। कंटिन्यू में आके मैं इसका जो है ना ये रखना चाहता हूँ हिडन X2, सॉलिड नहीं रखना चाहता, ओके कर देता हूँ। तो देखें इधर हिडन आ गया। उसके बाद आ गया डिफ़ॉल्ट में आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसमें क्या होता है कि आप कितनी लाइन मोटा रखना चाहते हैं, हम जो है इसको इतना ही मोटा रखना चाहते हैं, ओके कर दें। अभी जो है ये हमारी जो है लेयर रेडी होगी। अभी हमारी जब लेयर ये रेडी हो गई है तो आपने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद अब आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे HD ये लेयर, जैसे ही मैं लेयर के ऊपर जाऊँगा तो देखें ये लाइन डॉटेड होगी। अब क्या है आपने एस्केप करना है और इधर से वो HD जो है उसको सेलेक्ट कर लेना। अब L एंटर, जितनी भी आप लाइनें लगाएंगे उसी तरह की आपकी डॉटेड ही लगेंगी। उसके बाद आप फर्ज करें सर्कल डॉटेड में लगाना चाहते हैं तो इस तरह जो है आपका सर्कल भी डॉटेड में ही लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।